दोस्तों, वैसे तो दुनिया में कई घाटियां मौजूद हैं, लेकिन आज जिस घाटी के बारे में आप जानने जा रहे हैं, वहां के लोगों के बारे में जानकर आप बिल्कुल ही सरप्राइज हो जाओगे। दोस्तों, क्या आपको पता है कि यहां के लोग 140 साल तक जीते हैं, वो भी आज के समय में? और क्या आपको पता है कि यहां की महिलाएं इतनी खूबसूरत है कि वो 60 साल की उम्र में भी 30 साल की लगती है? ये ही नहीं, यहां के लोगों को कभी भी कोई बीमारी नहीं होती। वेल, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित हुंजा घाटी के बारे में। तो आज के वीडियो में जानेंगे इंटरेस्टिंग फैक्ट जो इस जगह से जुड़े हुए हैं। नंबर 6, हुंजा घाटी को धरती का स्वर्ग भी कहा जाता है, जो 11,660 वर्ग किलोमीटर में फैली है। ये घाटी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आती है। इस जगह की जनसंख्या लगभग 87,000 है और ये एक पहाड़ी एरिया है, जिसे दुनिया भर में बार बार इसकी खूबसूरती के लिए सराहा जाता है और यहाँ के लोग काफी अमन पसंद है। नंबर 5, आपको यकीन नहीं होगा कि यहाँ के लोगों को 90 साल की उम्र तक किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होती। दरअसल इनकी लंबी उम्र का राज साफ सुथरा वातावरण, ऑर्गेनिक फूड और उनकी फिजिकल एक्टिविटी है। इनके खाने में मुख्य रूप से फ्रूट और ऑर्गेनिक सब्जियां होती हैं। और इनकी लंबी उम्र का राज ये भी है कि ये लोग ग्लेशियर का पानी पीते हैं, जिसमें बहुत सारे मिनरल्स मौजूद होते हैं। इसके साथ ही वो इसी ठंडे पानी से नहाते भी हैं, जिसकी वजह से इनकी इम्यूनिटी काफी मजबूत रहती है। नंबर 4, कुछ कहानियों की माने तो यहाँ के लोग अलेक्जेंडर द ग्रेट के वंशज हैं और जब भी आप यहाँ पर जाएंगे तो कुछ इलाकों में आपको किसी भी तरह की सुविधा देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पर ना तो बिजली उपलब्ध है, ना ही टीवी और ना ही इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ के लोग पानी भी बर्तनों में भरकर लाते हैं। अब आप ही बताइए कि बिना किसी सुविधा के जीवन जीना कितना कठिन होगा, लेकिन फिर भी ये लोग काफी खुश हैं और लंबी उम्र पाते हैं। नंबर 3, 2009 में छपी फोर्ब्स मैगजीन के हिसाब से हुंजा वैली दुनिया की 10 सबसे ज्यादा ठंडी जगहों में से एक है। आपकी जानकारी के लिए, दून की हुंजा वैली 3 भागों में बंटी हुई है। पहली अपर हुंजा, दूसरी सेंट्रल गुंजा और तीसरी लोअर गुंजा। इनमें से अपर हुंजा अपने बहुत ही साधारण और खूबसूरत गांवों की वजह से जाना जाता है और सेंट्रल गुंजा यहां का प्रशासनिक केंद्र है और पुराने समय में यहां का शाही परिवार इसी क्षेत्र में रहा करता था। साथ ही आपको बता दें कि लोअर हुंजा अपने स्वादिष्ट फ्रूट्स और अपने सेलिब्रेशन की वजह से जाना जाता है। यहाँ के सबसे अच्छे फ्रूट्स में अंगूर, मलबेरी, एप्रिकॉट और प्लम्स मुख्य है। नंबर 2, यहाँ पर ग्लेशियर की वजह से बाढ़ आने के खतरा बना रहता है। गर्मियों के समय में ये ग्लेशियर्स पिघल जाते हैं और इनका पानी इतना होता है कि यहाँ पर बने बांध इतने पानी को संभाल नहीं पाते और परिणाम स्वरूप ये पानी अपने साथ कई पत्थर भी ले जाता है, जिसकी वजह से यहाँ के मकानों और खेतों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। नंबर 1, अपनी खूबसूरती के साथ साथ हुंजा वैली बहुत ही बेशकीमती रूबी के लिए भी जाना जाता है। जब से यहाँ पर रूबी की खोज हुई है, यहाँ के लोकल लोगों ने खुद की माइनिंग शुरू कर दी है और जब भी उन्हें रूबी मिलती है तो वो उसे अपने लोकल मार्केट में बेचने के लिए निकल जाते हैं। इस वीडियो में दी जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं।